आपका अपने YouTube चैनल विजय टेक में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके पास आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स या फिर डॉक्यूमेंट है तो उसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको दो फॉर्मेट दिखाऊंगा, दो पेजेस दिखाऊंगा जिसको मैंने स्कैन करके अपने लैपटॉप में रखा है। एक इंग्लिश में लिखा गया फॉर्मेट है और एक हिंदी में लिखा गया फॉर्मेट है। तो इन दोनों फॉर्मेट को आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या आपने इससे पहले कभी देखा है? तो चलिए यहाँ पर यह जो नया एक्सपेरिमेंट है मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपने हाथ से लिखे हुए किसी भी पेपर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको हिट कर दीजिए और उसके बाजू का जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि नए लेटेस्ट आने वाले हमारे सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। सब्सक्राइब करें एबीजी टेक चैनल को और बेल आइकन को हिट करें ताकि नए लेटेस्ट अपडेट आपको हमारी तरफ से हमेशा मिलते रहे। तो हमारे पास यहाँ पर दो इमेजेस है, यहाँ पर आप देख सकते हो डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर यह हिंदी में लिखा हुआ है और उसी तरह से और एक इमेज है हमारे पास जो इंग्लिश में लिखी गई है। ये जो देख रहे हो आप पेपर, यहाँ पर इसमें इंग्लिश लिखा गया है। ये दो इमेज है, इनको किस तरह से कन्वर्ट करना है वर्ड डॉक्यूमेंट में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों डॉक्यूमेंट को हमें गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर लेना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने गूगल ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा गूगल ड्राइव ओपन हो चुका है। यहाँ पर गूगल ड्राइव ओपन होने के बाद इस दोनों इमेजेस को मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको न्यू में आना है। न्यू में आने के बाद आपको फाइल अपलोड इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से डेस्कटॉप से आपको उन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। और मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दोनों भी इमेजेस अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पर टू अपलोड्स कंप्लीट आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एक का नाम है ग्रामर और एक का जावेद अख्तर। तो यहाँ पर इन दोनों इमेजेस को अभी किस तरह से आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक कर लिया और यहाँ पर ओपन विथ में आना है। ओपन विथ में आने के बाद आपको गूगल डॉक्स इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखिए ये हमारा जो इंग्लिश का इमेज है यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर कन्वर्ट होने के बाद जो लेटर्स है वो आपको यहाँ पर नीचे में दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको कन्वर्ट होने के बाद दिख सकता है कि कैसे इसको यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी टच हियर स्मेल, उसी तरह से यहाँ पर भी इन्होंने कन्वर्ट किया है ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी टच हियर स्मेल और टेस्ट। तो इस तरह से हमने ये जो इंग्लिश का इमेज है वो कन्वर्ट कर लिया है। उसी तरह से हमें जो हिंदी का इमेज है उसको भी कन्वर्ट करना है। हिंदी की जो इमेज फाइल है इसके ऊपर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ गूगल डॉक्स इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर यह जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर आप नीचे में जब इसको क्रॉल करोगे तो देखोगे आप कि आपको जो कन्वर्ट करना था वो कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से इसने कन्वर्ट किया है। दोस्तों इमेज जो है वो जितनी क्लियर रहेगी उतने ही अच्छे तरीके से यह कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम सेम टू सेम यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपको आपके हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना है गूगल डॉक्स की मदद से। तो यहाँ पर हमने गूगल डॉक्स का यूज किया है। तो यहाँ से आप इस मैटर को कॉपी करके आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में भी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। मैंने वो जो फाइल है वहाँ से कॉपी कर लिया है कंटेंट और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको मैंने पेस्ट कर लिया। उसी तरह से इंग्लिश का जो मैटर है वो भी मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको कॉपी कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर जो इंग्लिश की जो इमेज है वो इमेज क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होने की वजह से यहाँ पर प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप हिंदी की जो इमेज है वो देख सकते हो वो बहुत ही क्लियर थी, इसीलिए यहाँ पर कन्वर्शन रेट जो है वो बहुत ही अच्छा रहा है। तो यहाँ पर 100% कन्वर्शन रेट रहा है और इंग्लिश में देखा जाए तो 80-90% का कन्वर्शन रेट देखने को मिल रहा है। तो इमेज आपकी जितनी क्लियर रहेगी उतना ही आपका कन्वर्शन रेट अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इन डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, अगर नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।